आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है प्राइम शतक का। धर्मेंद्र प्रधान का बड़ा बयान, कहा राष्ट्रीय शिक्षा नीति में सभी भारतीय भाषाओं को दी गई राष्ट्रीय भाषाओं के रूप में मान्यता। ईडी का समन मिलने पर बोले सिसोदिया, कहा इनका टारगेट शराब नीति है, एमएसडी चुनाव। बिहार कांग्रेस नेताओं ने लालू यादव से की मुलाकात, तेजस्वी को दिया भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने का न्योता। टीएमसी नेता मदन मित्रा का विवादित बयान, कहा सबक सिखाने में 10 मिनट से अधिक समय नहीं लगेंगे। जयराम रमेश का विपक्षी एकता पर बड़ा बयान, बोले कांग्रेस को धुरी बनाए बिना विपक्षी एकता की बात करना मूर्खों के स्वर्ग जैसा है। वैश्विक स्वच्छ ऊर्जा कार्यवाही मंच में भारतीय प्रतिनिधि मंडल लेगा हिस्सा, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह करेंगे नेतृत्व। भारत जोड़ो यात्रा में केरल के अल्पपुझा से 12वें दिन की शुरुआत, कार्यकर्ताओं के उत्साह से जोश में दिखे राहुल। देश में अब चीते को लाने के श्रेय पर विवाद, जयराम रमेश ने पत्र जाम पर कहा प्रधानमंत्री आदतन झूठे। बंगाल में नंदीग्राम सहकारी निकाय में टीएमसी को झटका, भाजपा ने 12 में से 11 सीटें जीती। चिदंबरम बोले राहुल ने पीटा, अध्यक्ष पद संभालने से इनकार कर दिया हो लेकिन अपना मन बदल सकते हैं। केजरीवाल ने आपको बताया कान्हा, कहा पार्टी भ्रष्टाचार और महंगाई जैसे राक्षसों का वध कर रही है, कुछ लोग सिर्फ भाषण देते हैं। मक्का में मंकेश्वर महादेव, शंकराचार्य निश्चलानंद बोले 15 देश हिंदू राष्ट्र बनने को तैयार, भारत के रुख का कर रहे हैं इंतजार। जम्मू कश्मीर में पहली बार वोट डालेंगे पाक शरणार्थी, पाकिस्तान से आए 5400 परिवारों को 67 साल बाद मिला जमीनी हक। केरल और कर्नाटक के सीएम के बीच हुई बैठक, टाइगर रिजर्व से गुजरने वाली हाईवे को लेकर नहीं बनी बात। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी केस के मामले में मध्यरात्रि में स्टूडेंट का धरना खत्म, 6 दिन पढ़ाई बंद। लखनऊ में सपा के पैदल मार्च को पुलिस ने रोका, सपा नेताओं के पुलिस से धक्का मुक्की। बदायूं में रेप पीड़िता की मां का दर्द, बोली पुलिस वाले शव को सामान बताकर टेम्पो से लाए और कराए पोस्टमार्टम। बारह दिन के संघर्ष के बाद गैंगरेप पीड़िता की मौत, पीलीभीत में डीजल डालकर दलित किशोरी को जला दिया था। प्रयागराज में असलाहा बना रहे बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़, एक के पैर में लगी गोली, एसआरएन अस्पताल में भर्ती।
प्रतापगढ़ में डीजे बजाने से रोकने पर सिपाही का पैर तोड़ा। प्रतापगढ़ में चहलुम जुलूस में बजा रहे थे डीजे। आजमगढ़ में पैसा दोगुना करने के नाम पर 500 करोड़ रुपए की ठगी। आजमगढ़ के बेलाल ने मुंबई तक बनाया नेटवर्क। महिला अपराध पर सीएम योगी की सख्ती। पुलिस अधिकारियों से बोली कार्यवाही ऐसी हो जो नजीर बने। गाजियाबाद में हादसे में महिला समेत 3 की मौत। बेकाबू एम्बुलेंस ने 3 बाइक को रौंदा। पुलिस बोली नशे में था ड्राइवर। अयोध्या में यूट्यूबर ने बनाया योगी आदित्यनाथ का मंदिर। 8.56 लाख की लागत से बना ये मंदिर। गाजियाबाद में अनु त्यागी ने मोबाइल टावर जलाकर निकाला विरोध मार्च। महिलाएं बोली अब क्या श्रीकांत को फांसी दे दी जाए। कोबरा अटैक से सर्पमित्र बेहोश। अस्पताल स्टाफ बोला घर जाओ। बदायूं अस्पताल में हंगामे के बाद लगाया गया एंटी स्नेक विनम। कानपुर में युवक की हत्या। लोगों पर मुकदमा दर्ज। पिता बोले ज्योति की तरह मेरे बेटे को भी जिंदा फूंका। हाथरस में जमीनी विवाद में देवर ने भाभी को मारी गोली। मौके पर हुई मौत। जमीन पर मिट्टी डालने को लेकर सुबह हुई थी नोकझोंक। कानपुर में सरकारी जमीन मामले में लेखपाल सस्पेंड। तहसील कर्मियों पर भी दर्ज होगी FIR। 15 प्रॉपर्टी डीलर पर कार्रवाई। सुल्तानपुर में इमरजेंसी में रात भर चला हाई वोल्टेज ड्रामा। डॉक्टर और स्टाफ नर्स की लापरवाही से जख्मी युवक की मौत। फतेहपुर में किशोरी का अपहरण करने वाला मुस्लिम युवक गिरफ्तार। पीड़िता बोली कई दिनों तक करते रहे रेप। ग्रेटर नोएडा में सड़क हादसे में चालक की मौत। स्टनर पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर अज्ञात वाहन ने कैंट को मारी टक्कर। महिला की संदिग्ध मौत। फांसी देकर हत्या का आरोप। मुजफ्फरनगर के गांव कुतुबपुर की घटना। पति और ससुर फरार। चार साल में 2000 कारीगर तैयार करेंगे श्रीराम प्रतिमा। 251 मीटर ऊंची होगी मूर्ति। कौशाम्बी में ट्रेन के आगे कूदा बुजुर्ग। ड्राइवर ने ट्रेन रोक बचाई जान। पुलिसकर्मियों ने पटरियों से निकाला बाहर। भदोही सड़क हादसे में शख्स की मौत। सांड से टकराई बाइक। काम करके लौट रहा था घर। कन्नौज सड़क हादसे में एक महिला की मौत। बाइक सवार को कंटेनर ने मारी टक्कर। एक युवक घायल। बरेली के 4 तस्कर शाहजहांपुर में अरेस्ट। 5 करोड़ रुपए की 5 किलो अफीम बरामद। झारखंड से लेकर करते थे तस्करी। मैनपुरी में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़। गोली लगने से घायल हुआ 25,000 का इनामी बदमाश। संत कबीर नगर में किशोरी से मालिक ने किया रेप। होटल में मैरिज हॉल में रिसेप्शनिस्ट का पर काम करती थी।
देवरिया में मकान गिरा, परिवार के तीन लोगों की मौत, पति पत्नी और 2 साल की बेटी मलबे में दबकर जान गई, बुजुर्ग मां घायल। डॉक्टर अकेला बोले, मैं झूठा हूं तो मुझे फांसी दे दो। सरतन जुजा से धमकी को पुलिस ने बताया था झूठा। डॉक्टर के पक्ष में आए नरसिंहानंद। जालौन में निकला 6 फीट लंबा मगरमच्छ, वन विभाग और पुलिस ने जेसीबी से किया रेस्क्यू, बेतवा नदी में ले जाकर छोड़ा। हरदोई में कस्तूरबा विद्यालय में 36 छात्राएं हुई बेहोश, बीमार, स्वास्थ्य मेले में खाई थी टैबलेट, अस्पताल में चल रहा इलाज। आगरा में मेड़ को लेकर 2 पक्षों में बवाल, खूब चले लाठी डंडे और धारदार हथियार, 6 लोग घायल। उत्तराखंड में पत्नी और बेटी की मौत के बाद डॉक्टर ने 2 बार की आत्महत्या की कोशिश, तीसरी बार में दर्दनाक मौत। उत्तराखंड में मंत्री ने किए तबादले, मुख्यमंत्री ने 24 घंटे में रोके सियासी गलियारों में हलचल। उत्तराखंड के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पहुंचे पिथौरागढ़, बोले पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत बना विश्व में शक्तिशाली राष्ट्र। उत्तराखंड के कुमाऊं में चोटियों पर हिमपात, गढ़वाल को भारी वर्षा से राहत, 3 दिन हल्की वर्षा के आसार। उत्तराखंड के मसूरी में 4 माह से सड़क पर पड़ा है मलबा, यातायात हो रही है बाधित, चपेट में आकर चोटिल हो रहे हैं कई लोग। डेंगू का प्रकोप, दून में मिले 16 नए मरीज, आंकड़ा 295 पार पहुंचा। उत्तराखंड में शिक्षकों की नियुक्ति में सरकार के दखल का विरोध, अशासकीय विद्यालय प्रबंधक एसोसिएशन ने हाईकोर्ट को दी चेतावनी। उत्तराखंड के हल्द्वानी में 1 करोड़ की मोबाइल चोरी, पुलिस के खुलासे में झोल की झोल, इन सवालों के जवाब अधूरे। उत्तराखंड में सीबीआई के राडार पर कैंट बोर्ड के कई अधिकारी गिरफ्तार किए गए, आरोपितों से पूछताछ के बाद हाथ लगे कई साक्ष्य। उत्तराखंड में मकान बेचने के नाम पर अधिवक्ता से 12 लाख की धोखाधड़ी, दंपति सहित 4 के विरुद्ध मुकदमा दर्ज। उत्तराखंड के कुमाऊं में जापानी इंसेफ्लाइटिस से पहली मौत, एसटीएमएच में भर्ती थे 60 वर्षीय बुजुर्ग। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा ने पकड़ी रफ्तार, पाकिस्तान के 48 सिख यात्री हेमकुंड साहिब रवाना। उत्तराखंड में अखाड़ा परिषद अध्यक्ष बोले, मदरसों में हिंदुओं के खिलाफ होती है मोर्चा बंदी, इन्हें बंद कराए सरकार। उत्तराखंड में डेटिंग साइट पर पहले की दोस्ती, घूमने के बहाने फ्लैट में ले जाकर किया दुष्कर्म, आरोपी गिरफ्तार। उत्तराखंड में तलाक नहीं लेने पर पति ने दी चेहरे पर तेजाब डालने की धमकी, पति समेत और ससुर के खिलाफ मुकदमा दर्ज। अमेरिका में जेट क्रैश एयर रेस के दौरान हुआ हादसा, पायलट की मौत, 2011 में हुए हादसे में की गई थी 11 लोगों की जान।
अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई ने पंजशीर प्रांत में हत्याओं की निंदा की, रक्तपात समाप्त करने का किया आह्वान। कनाडा में गोलीबारी में घायल भारतीय छात्र की मौत, एक पुलिसकर्मी समेत दो लोगों की गई जान। जापान में ननमाडोल तूफान के कारण 30 लाख लोग विस्थापित, हजारों लोगों ने शिविर मिली शरण। तालिबान का नया फरमान, अगले 3 महीनों के भीतर टिकटॉक पबजी पर पाबंदी लगाने का ऐलान। नेपाल में सीजे चोलेन शमशेर राजा नजरबंद, बोले मुझे कोर्ट जाने दो, विशेषाधिकार दुरुपयोग मामले में लगाया था महाभियोग। इंग्लैंड में हिंदू मुसलमानों की झड़प, लीसेस्टर शहर में लाठी डंडे लेकर उतरी भीड़, पुलिस पर कांच की बोतलें फेंकी दो हिरासत में। ताइवान में 2 दिन में दूसरा भूकंप, रिएक्टर स्केल पर तीव्रता 6.9। जापान में सुनामी का अलर्ट जारी, कल आया था भूकंप। बाइडेन की चीन को चेतावनी, बोली ताइवान पर हुआ हमला तो अमेरिकी सेना भी लड़ेगी जंग। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की की रूस की चेतावनी, बोली जवाबी कार्यवाही में नहीं की जाएगी कोई कमी। ओला में कर्मचारियों की छटनी, सॉफ्टवेयर वर्टिकल के 500 कर्मचारियों को निकाल सकती है कंपनी। टाटा हैरियर का XMS और XMS के वेरिएंट लॉन्च, XUV की शुरुआती कीमत 17 लाख रुपए। SBI ने मोबाइल फंड ट्रांसफर पर SMS शुल्क किया माफ, यूजर्स अब बिना किसी शुल्क के आसानी से कर सकेंगे लेन देन। तीस पैंतालीस दिनों में IPO ला सकती है आईनॉक्स ग्रीन एनर्जी, CEO तारा चंदानी ने की घोषणा। पूर्व गवर्नर सी रंगराजन ने RBI को सख्त कदमों की पैरवी, बोले इसे जारी रखने की जरूरत। भारतीय सेना ने रक्षा खरीद के लिए जारी किए टेंडर, डिफेंस कंपनियों के शेयर 5% से ज्यादा चले। आयातकों के लिए गुड न्यूज, अब रुपए में होगा इंटरनेशनल ट्रेड, वाणिज्य मंत्रालय ने फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में किया बदलाव। रियलमी नार्जो 50i प्रीमियम लॉन्च, स्मार्टफोन की शुरुआती कीमत 7,999 रुपए, इसमें मिलेंगे दो वेरिएंट के ऑप्शन। टाटा बनाएगा आईफोन, डील फाइनल हुई तो टाटा आईफोन बनाने वाली पहली भारतीय कंपनी बन जाएगी। क्रिप्टो मार्केट में गिरावट जारी, बिटकॉइन में 96,000 और इथेरियम में 12,000 रुपए से ज्यादा की गिरावट। मंधाना हरमनप्रीत की पारियों से जीती विमेंस टीम इंडिया, इंग्लैंड को उसके घर में 7 विकेट से हराया। पहले ही ओवर में इरफान पठान ने बल्लेबाज को किया आउट, देखकर फैंस हो रहे गदगद, बोले कुछ याद आया।
15 साल बेटे के साथ ब्रॉड की धुनाई को देखते दिखे युवराज, बोले इससे बेहतर साथी नहीं मिल सकता था। शोएब मलिक पर बोले मोहम्मद हाफिज, कहा मैंने पहले ही कहा था संन्यास ले लो क्योंकि मुझे पता था कि सम्मान नहीं मिलेगा। भारतीय गेंदबाजों के लिए काल बन सकता है ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज टीम डेविड, नेट्स में कर रहे हैं चौके छक्के की बरसात। बजरंग पुनिया ने जीता ब्रॉन्ज, वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में उनका 5वां मेडल, ऐसा करने वाले पहले भारतीय बने। टीम इंडिया की नई जर्सी लॉन्च, व्हाइट ब्लू में नजर आएंगे भारतीय सितारे, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के खिलाफ होगी इस्तेमाल। कोहली के शतक पर रोहित का मजाक, वर्ल्ड कप के लिए हमें उन्हें सपोर्ट नहीं करना चाहते थे, शतक ने हमारा मन बदल दिया। इंडिया ए ने न्यूजीलैंड ए को हराए, तीसरे अनऑफिशियल टेस्ट में 113 रन से धीमा, सीरीज पर 1-0 से कब्जा किया। बलवाड़ा किंग्स ने मणिपाल टाइगर्स को 3 विकेट से हराया, कैफ ने 73, यूसुफ ने 44 रन बनाए, एडवर्स ने 4 विकेट झटके। कमाल राशिद खान का आरएसएस के नाम संदेश, का अगर संघ को मेरी जरूरत है तो मैं जुड़ने के लिए तैयार हूं। नहीं रही कुबूल की फेम, निशी सिंह 50 साल की उम्र में हुआ निधन, 4 साल से पैरालिसिस से जूझ रही थी। चुपकी की फ्री पब्लिक स्क्रीनिंग, रिलीज से पहले मुफ्त में देख सकेंगे सनी देओल और सलमान दुलकर की फिल्म। ब्रह्मास्त्र में शिवा बार बार चिल्लाने पर ट्रोल हुई आलिया भट्ट, आयन मुखर्जी ने बताई इसके पीछे की सच्चाई। इंडिया गेट पहुंचे सिद्धार्थ मल्होत्रा, योद्धा की शूटिंग के दौरान फैन से घिरे एक्टर, क्लिक करवाई सेल्फी। कार्तिक आर्यन को देख इमोशनल हुआ छोटा बच्चा, ऑटोग्राफ देकर एक्टर ने कराया चुप, फैंस ने की जमकर तारीफ। नोज सर्जरी पर प्रियंका चोपड़ा की सफाई, बोली सांस लेने में तकलीफ थी इसलिए करवाई थी सर्जरी। ट्रेडिशनल अवतार में दिखी नोरा फतेही, नोरा फतेही पर नहीं पड़ा विवादों का असर, कहा म्यूट होकर चारों तरफ देखो। सॉन्ग लॉन्च इवेंट में ऋतिक का मस्ती भरा अंदाज, फैंस के साथ लगाए जोरदार ठुमके, जमकर तारीफें भी बटोरी। तमिल एक्ट्रेस ने की खुदकुशी, अपार्टमेंट में मिली 29 साल की साउथ एक्ट्रेस दीपा की लाश, लव लाइफ में चल रही थी दिक्कतें। फिलहाल के लिए शतक में बस इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।